नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूं रीना। नवरात्रि में कन्या पूजा के साथ जैसे ही हवन भी इस व्रत का अभिन्न अंश है। नवरात्रि पूजा हवन के बिना अधूरी मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हवन के माध्यम से नवग्रह और देवी देवताओं को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। शारदीय नवरात्रि 2023 में माँ दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा, नवदुर्गा के भोग, मंत्र और फूलों का समावेश होता है। इस अवसर पर कन्या पूजन और हवन को महत्वपूर्ण माना जाता है, जिससे पूजा का विशेष फल और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हवन एक पावन विधि है जिससे धार्मिक और आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त होती है और इससे नवग्रह देवी देवता प्रसन्न होते हैं और वो आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि हवन पहले दिन में से महानवमी तक किया जा सकता है, लेकिन अधिकतर लोग इसे दुर्गा अष्टमी और महानवमी पर ही करते हैं। इस साल दुर्गा अष्टमी 22 अक्टूबर और महानवमी 23 अक्टूबर को है। इस साल नवरात्रि हवन के लिए दोनों का सुबह का समय 6:26 से 6:44 तक रहेगा। हवन सामग्री के लिए आपको विभिन्न प्रकार की सामग्री चाहिए, जैसे हवन कुंड, कुश का आसन, चंदन बेल, नीम की सूखी लकड़ी, चावल, तिल और सूखा नारियल, कपूर, गाय का घी, लोबान, गुगल आदि। हवन के मंत्र हैं। हवन में विभिन्न देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्र जपे जाते हैं, जैसे ओम आग्नेय नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौरियाय नमः स्वाहा आदि। हवन की विधि। पूजा के बाद एक शुद्ध स्थान पर हवन कुंड को स्थापित करके हवन कुंड में सूखी लकड़ी और गाय के उपले रखें और उस पर घी डालकर आग जलाएं। हवन के दौरान विभिन्न मंत्र जापे जाते हैं, इससे वायुमंडल में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। धीरे धीरे हवन की सामग्री को आग में डालते हुए मंत्रोच्चार करना चाहिए। हवन की समाप्ति पर देवी देवताओं से सुख और शांति और कल्याण की प्रार्थना करें। हवन समाप्त होने पर आरती करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।